जय एन क्लेसेस, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। सो गाइस, अभी हम लोग हैं अपने ATS 10 के अकाउंट पे। तो इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं हाइब्रिड अटैक स्ट्रेटजी। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो फर्स्ट अटैक हम लोग करने जा रहे हैं ATS 10 के बेस पे, जो कि थोड़ा सा रस है, वाल्स रस है, बाकी चीज़ें मैक्स आउट हुए हैं। क्वीन हमने डिप्लॉय करी और अपना बेबी ड्रैगन डिप्लॉय किया फनल के लिए, और क्वीन के पीछे हिलर लग चुके हैं, वाल ब्रेकर ड्रॉप किए जिससे कि वाल ओपन हो जाए और एनिमी की क्वीन अपोनेंट की ख़त्म हो। यहाँ पर अपनी क्वीन है, एक रेज देना पड़ेगा, लेकिन रेज हमने देने में थोड़ी सी लेट कर दिया जिससे कि हमारी क्वीन की एबिलिटी चली गई। इस साइड पर हमने किंग को डिप्लॉय किया और यहाँ पर बिजार्ड को डिप्लॉय किया पीछे से। सीज बैरक लिया है हमने, सीज बैरक भी हमने डिप्लॉय कर दिया। फनल थोड़ा अच्छा बन चुका है गाइस, और 11 अपने माइनर्स हैं और 10 हॉग राइडर। CC स्पेल कॉम्बिनेशन भी देख सकते हो गाइस। यहाँ पर अपनी क्वीन अगेन हम लोग रेज कर देंगे, एक रेज कर दिया है। यहाँ से सीज बैरक से विजार्ड सेंट पिक्का निकल चुके बाहर। हाइब्रिड हमने डिप्लॉय कर दिया है सेंटर में, वहाँ पर माइनर्स एंड हॉक को डिप्लॉय किया है। अभी भी एक भी हील स्पेल नहीं डिप्लॉय की, यहाँ पर दोनों मल्टी इन्फर्नो थे इसलिए हील स्पेल डिप्लॉय किया, और CC के भी हॉक्स आ चुके हैं। सीज बैरक बहुत जल्दी फट जाता है अगर तुलना करोगे फ्लेम फ्लिंगर से। तो गाइस यहाँ देख सकते हो कि एक दो हील स्पेल यूज हो चुकी है, वहाँ पे बॉम्ब टावर था और अपने हॉग्स अभी अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं। लास्ट में एक हील स्पेल और डिप्लॉय की, क्योंकि वहाँ पे था बिजार्ड टावर और अभी भी बिजार्ड बहुत सारे हैं जिंदा, जो कि सीज बाय रख के थे, और यहाँ पर बहुत ही अच्छा वर्क कर रहे हैं। एक फ्रीज स्पेल का स्वाइक किया गया और 3 स्टार हो चुका है ये अटैक, तो 31 ट्रॉफीज़ के साथ। अगला अटैक है हम लोग को क्वीन को डिप्लॉय किया अगेन और अपना बेबी ड्रैगन जो कि ख़त्म हो चुका है। किंग को डिप्लॉय कर दिया, एक सुबह बाहर की साइड पे थी ग्राउंड, वहाँ पर बिजार्ड को डिप्लॉय कर दिया पीछे से। क्वीन से हम चाहेंगे कि एनिमी का किंग मिल जाए, क्योंकि शायद इसकी क्वीन अपग्रेड पे है, तो देखते हैं गाइस, मिल जाता तो अच्छी बात है, वरना हम लोग क्वीन को बाहर की साइड पर घुमा देंगे। वाल ब्रेकर हमने लिए, किंग की एबिलिटी पॉप कर दी। फ्लेम फ्लिंगर लाए इस बार, तो फ्लेम फ्लिंगर जो है डिफेंस को टारगेट करेगी, उस साइड के ऊपर की साइड राइट साइड के जितने डिफेंस है उसको निकाल देगी। फ्लेम फ्लिंगर मोटार दिक्कत दे रही थी, मोटार ख़त्म हो चुकी है, फ्लेम फ्लिंगर आगे बढ़ती हुई। यहाँ पर हाइब्रिड डिप्लॉय करना पड़ेगा, नहीं तो एनिमी का किंग थोड़ा सी दिक्कत देगा। क्वीन बाहर की साइड पर ट्रेवल कर रही है, अभी ट्रेवल बोले तो वॉक कर रही है, तो यहाँ पर एनिमी का किंग जो है हमारे फ्लेम फ्लिंगर को दिक्कत देगा जिससे वो फट चुकी है। तो यहाँ पे हॉग राइडर आ चुके सारे बाहर। एक हील स्पेल हमने सेंटर में डिप्लॉय करी, वहाँ पे 2 बिजार टावर थे, हीलर भी शिफ्ट हो चुकी हैं हॉग राइडर पे। एक मिनियन बाहर की साइड पे आ जाए, लेकिन एयर माइंड टिगर ख़त्म कर दिया मिनियन को। एक हील स्पेल बची है अभी, उसको भी डिप्लॉय किया है बिजार टावर के पास, और यहाँ पर सारे डिफेंस ख़त्म है। लगभग एक कैनन बची, वो भी हॉग राइडर ख़त्म कर देंगे, और ये 3 स्टार स्वैग के साथ हो गया फिनिश। तो गाइस इसमें मिली 32 ट्रॉफी। अगेन गाइस हम लोग TH10 से TH11 के बेस पे अटैक करने वाले हैं। यहाँ पर रस बेस है, लेकिन सीनरी बहुत ही अच्छी लग रही है, और कौन सी सीनरी है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो गाइस यहाँ पर सेम वैसे ही अटैक किया जा रहा है, यहाँ पर क्वीन का डिप्लॉयमेंट एंड बेबी ड्रैगन बाहर की साइड पर फनल क्रिएट कर रहा है, और यहाँ पर बेबी ड्रैगन ख़त्म होता हुआ अगेन वॉल ब्रेकर है एनिमी की क्वीन अपोनेंट की वहीं पे। तो यहाँ पर एक रेज ड्रॉप करना पड़ेगा, और किंग वर्सेस किंग उधर ऊपर की साइड पे चल रहा है, तो वहाँ पर बिजार टावर आगे, किंग की एबिलिटी पॉपअप, और यहाँ पर एक रेज और ऊपर की साइड से आ रही अपनी फ्लेम फ्लिंगर। एक CC में से सिर्फ और सिर्फ एक ही लून्स निकला है। वॉल ब्रेकर यह डिफेंस दिक्कत दे रहा है हीलर्स को, अगेन रेज की गई, और अभी अपने हाइब्रिड की बारी आ चुकी है। तो ऊपर की साइड से हम लोग हाइब्रिड स्टार्ट कर दिए हैं। यहाँ पे गाइस हॉग राइडर्स एंड माइनर्स आ चुके सेंटर में, यहीं पे एक हील स्पेल आ जाएगी, क्योंकि मल्टी इन्फर्नो था, TH10 का 11 का बेस था, हालांकि ईगल नहीं था इस बेस पे। अभी हम लोग एक और अटैक करेंगे TH11 के बेस पे, जो कि थोड़ा अच्छा खासा बेस होगा। यहाँ पर हॉग राइडर बचे हैं, तो यहाँ पर लास्ट हील डिप्लॉय की, क्योंकि यहाँ पर था एक बॉम्ब टावर, वो भी ख़त्म हो चुके। लास्ट में विजार टावर बचा, और दो एक आर्चर टावर, एक कैनन्स, 2 डिफेंसेस बचे हैं जो कि हॉग राइडर्स निकालेंगे। अभी भी फ्लेम फ्लिंगर फटा नहीं है, फ्लेम फ्लिंगर बेस्ट है अगर आप हाइब्रिड करते हो,
और आप सीज बैरक भी यूज कर सकते हो गाइस। यहाँ पे गाइस देखना होगा 96% आ चुका 2 स्टार के साथ। फ्लेम फ्लिंगर अभी भी नहीं फटा लेकिन लास्ट में फट चुका है और फटने का कोई मतलब नहीं निकला। आ चुका क्लियर 3 स्टार बेस 25 ट्रॉफीज़ के साथ। नेक्स्ट अटैक है हम लोग का फ्लेम फ्लिंगर के साथ, TH11 का बेस है। और यहाँ पे गाइस देख सकते हो क्वीन को डिप्लॉय किया, पीछे से हीलर्स और साइड में ईगल रखा है। तो ईगल निकालना चाहेंगे हम लोग क्वीन के साथ, अगर क्वीन अंदर चली जाती लेकिन वॉल्स ओपन करी लेकिन क्वीन नहीं गई गाइस बाहर की साइड आई। कोई बात नहीं, किंग को डिप्लॉय किया पीछे से विजार्ड एंड फ्लेम फ्लिंगर और क्वीन अपनी बाहर की साइड पर जाती हुई। इसको ऐसा लग रहा है जिससे कि एयर स्वीपर का झोंका पिछाड़ रहा है क्वीन को। तो यहाँ पर अगेन वॉल्व ओपन करेंगे वॉल्व ब्रेकर से, देखते हैं शायद अब क्वीन चली जाए। विजार्ड को डिप्लॉय किया, क्वीन अंदर गई, एनमी किंग आता हुआ, किंग की एबिलिटी अपनी पॉपअप, यहाँ सिंगल ने पकड़ लिया किंग को। और यहाँ पर फ्लेम फ्लिंगर अच्छा वर्क करती है, एनमी अपनी क्वीन की एबिलिटी चली गई, ध्यान नहीं दिया जल्दी से और रेज करने में देरी करी। और गई से यहाँ पे ईगल एंड हम लोग को एनमी अपोनेंट की क्वीन भी मिलनी चाहिए। फ्लेम फ्लिंगर अभी भी अच्छा खासा वर्क कर रहा है, क्वीन मिल चुकी है अपोनेंट की एंड ईगल भी मिल जाएगा, उसके बाद ही हम लोग डिप्लॉय करेंगे अपनी हाइब्रिड। और चलिए स्टार्ट करते हैं, हाइब्रिड की बारी आ चुकी, सारे माइनस डिप्लॉय कर दिए, सारे हॉग राइडर अभी सेंटर की तरफ जा रहे हैं। बहुत अच्छा, और यहाँ पर क्वीन को पकड़ लिया सिंगल ने, यहाँ पर फ्रीज करने में लेट कर दी, सिलेक्ट नहीं हो पाई फ्रीज, और फ्रीज के चक्कर में हमारी क्वीन की एबिलिटी चली गई। एबिलिटी तो पहले गई थी लेकिन जान चली गई। एंड गई से यहाँ पर एक ही हील स्पेल अभी डिप्लॉय की गई है, और यहाँ पर एक और हील स्पेल आ चुकी जायंट बम टावर के पास में। अभी सिंगल प्रॉब्लम दे रहा, अगर क्वीन की एबिलिटी ना जाती तो इस सिंगल निकल जाता एंड आराम से क्लियर होता गाइस। अब यहाँ पर क्वीन का मरना मतलब मिस होना अटैक, क्या लगता है गाइस आपको? यहाँ पर हॉग राइडर अभी भी अच्छा खासा वर्क कर रहे हैं, अपनी फ्लेम फ्लिंगर फट चुकी है, क्लीन अप का काम बहुत बाकी है गाइस। यहाँ पर सिंगल ने पकड़ लिया हीलर्स को, और यहाँ पर गाइस 4 हॉग राइडर्स हैं, सिंगल इन्फर्नो ख़त्म हो चुका है। और यहाँ पे लास्ट में बचे 2 हॉग राइडर, दोनों पहुँच चुके हैं मोटार के ऊपर। यहाँ पे क्लीन अप का काम बहुत बाकी है गाइस, देख सकते हो 2 स्टोरेज हैं और माइनस ऊपर की साइड भी हैं, इस साइड भी हैं, लेकिन स्टोरेजेस में थोड़ा टाइम लगता है। TH11 के अपग्रेड भी थे TH10 के मुकाबले, तो यहाँ पे लगता है क्या मिस हो जाएगा। 7 सेकेंड बचे हैं गाइस, जल्दी अगर माइनस ख़त्म कर देंगे तो ख़त्म, वैसे 2-1 ख़त्म गाइस, मिस हो चुका क्वीन की वजह से अटैक मिस हुआ। कोई ना, नेक्स्ट अटैक करने वाले हम लोग TH10 वर्सेस TH10 पे, बेस लेआउट फेमस बेस लेआउट देख सकते हो, आप भी देखे होंगे। तो यहाँ पर क्वीन का डिप्लॉयमेंट किया गया है फनल के लिए, बेबी ड्रैगन्स आया, वॉल्स ओपन करेंगे, वॉल्स से अपने क्वीन अंदर जाएगी। और यहाँ पर विजार्ड का डिप्लॉयमेंट और किंग आ चुका है पीछे से, विजार्ड क्वीन अंदर गई है, बहुत अच्छी बात है। एंड यहाँ से गाइस अपनी फ्लेम फ्लिंगर पीछे की साइड से आ रही, क्वीन को एक रेज करना पड़ेगा, वॉल ब्रेकर से अगेन वॉल ओपन कर दिए, सिंगल इन्फर्नो है थोड़ी सी प्रॉब्लम देगा, फ्रीज किया लेकिन पकड़े नहीं था सिंगल क्वीन को, तो फ्रीज हमारी बैठ गई। और अपने पास अभी क्वीन की एबिलिटी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं यहाँ पे, और हम लोग यहाँ पर क्वीन की एबिलिटी यूज करेंगे और उसके बाद हाइब्रिड स्टार्ट। लेकिन अगेन सिंगल ने फिर से पकड़ लिया एक बार क्वीन को, अब यहाँ पर हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ना तो फ्रीज है ना तो क्वीन की एबिलिटी, क्वीन चली गई डेड हो चुकी अपनी। एंड यहाँ से फ्लेम फ्लेमर अच्छा खासा वार करती है, और कोर में हमने एक रेज ड्रॉप कर दी, अभी एक ही लिस्ट पहले एक ही बची है अपने पास, CC के हॉग अभी उसी में पैक हैं, तो वेट करेंगे थोड़ी देर गाइस। और यहाँ पे लास्ट ही लिस्ट पे क्योंकि यहाँ पे था इनमें किंग एंड विजार्ड टावर। यहाँ पर अभी फ्लेम फ्लिंगर के बहुत सारे हॉग्स, बोले तो 7 हॉग्स अभी फ्लेम फ्लिंगर में हैं, वेट करेंगे। यहाँ पर हाइब्रिड अपनी ख़त्म हो चुके हैं, हॉग्स माइनस ही बचे हैं, तो माइनस डिफेंस को नहीं एक तरफ से क्लीन अप करेंगे। यहाँ पे गाइस थोड़ी सी दिक्कत आ रही है क्योंकि स्लो वर्क कर रहे हैं, तो माइनस सिर्फ क्लीन अप की तरफ चले गए। 3 डिफेंसेस हैं जो एक हाईवी डिफेंस बोल सकते हैं, और बिजार टावर है इसलिए हाईवी है। यहाँ पर फ्लेम फ्लिंगर बढ़ता हुआ डिफेंसेस की साइड पे, तो यहाँ अभी देखना होगा क्या फट जाएगा, फट गया फ्लेम फ्लिंगर अपना। तो यहाँ पे आ चुके अपने 7 हॉग रेडर जो कि ख़त्म कर दें बिजार टावर को, एंड यहाँ पे कैनन भी गया, और लास्ट में एक आ चुका टावर। 30 सेकेंड बचे हैं, क्लीन अप वर्क बहुत है, हालांकि माइनर्स आ चुके हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, माइनर बचे इसलिए हो चुका हो जाएगा।
और ये 98-99% एंड माइनर फास्ट फॉर वेरी फास्ट माइनर थैंक्स फॉर वॉचिंग क्लियर।